तो हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेक्निकल फ्री जानकारी दोस्तों, मोदी सरकार बहुत अच्छी योजना दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल का एक घंटी दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आप किस राज्य से हैं या कौन से गाँव से या कौन से शहर से हैं, हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, मोदी सरकार योजना बहुत अच्छी दे रहे हैं। तो दोस्तों, भामाशाह योजना में बीपीएल वालों को मिलेगा मोबाइल, तो किस तरीके से मोबाइल मिलेगा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। भामाशाह योजना बीपीएल महिलाओं को मोबाइल देगी राजस्थान सरकार। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार बीपीएल देगी बीपीएल महिलाओं को मोबाइल देगी राजस्थान सरकार। तो दोस्तों, किस तरीके से मोबाइल देंगे, तो राजस्थान में गरीब रेखा के नीचे बीपीएल आने वाली महिला को राज्य सरकार फ्री में मोबाइल फ़ोन देगी। तो किस तरीके से फ्री में मोबाइल फ़ोन देगी मैं इस वीडियो में जानकारी आपको बताऊंगा। तो उन्होंने भामाशाह योजना के तहत ये मोबाइल दिया जाएगा कि योजना के तहत सरकारी स्कीम के तहत मिलने वाले लाभ पारदर्शी तरीके से लोगों को तक पहुँच जाते हैं। तो इसे भी पढ़े राजस्थान में आदर्श विद्यालय योजना में बड़ी बातें। तो कौन कौन सी बड़ी बातें हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में भी राज्य में महिला को फ्री मोबाइल फोन बांटे हैं। तो किस तरीके से फ्री मोबाइल बांटे हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार ने कहा है कि गरीब जनता अपने मोबाइल फोन का बटन दबाकर सरकारी योजना का लाभ हासिल कर सकते हैं। और किस तरीके से लाभ हासिल कर सकते हैं, इसके लिए वह नए मोबाइल ऐप लाने की कोशिश है। तो दोस्तों, मोबाइल में नया ऐप्स लाने की एक कोशिश है और उस तरीके से आप लाभ ले सकते हैं सरकारी योजना के बारे में। तो राजस्थान सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में 5,000 ग्राम पंचायत को फ्री में वाईफाई भी सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके राजस्थान गाँवों को बाहरी दुनिया और जोड़ने की मदद से मिलेगी। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार आपको वाईफाई भी कनेक्ट कराएगी। तो किस तरीके से कराएगी, राज्य सरकार का कहना है कि फ्री वाईफाई कार्यक्रम की शुरुआत के सितंबर से हुई है, जिसका सपना 30 सितंबर को होगा। राजस्थान की जनता ने तकनीकी के प्रति जागरूक करने के लिए राजस्थान सरकार ने ये पहला कदम नहीं है, इसके लिए राज्य सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 29 अगस्त को भामाशाह मोबाइल वॉलेट में शुरुआत की है। कि इसके पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौर श्रीनगर सरकार ने अभय कम्युनिकेशन सेंटर डायल 100 वीडियो वर्चुअल और साइबर की सुविधा दी है। कि राजस्थान में मौजूदा विधानसभा का कार्यालय 20 जनवरी 2019 को समाप्त हो जाएगा। तो राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार ने 5 साल की उपलब्धि का जनता एक पहुंचाने के लिए राज्य में गौरव यात्रा कर रहे हैं और राज्य में इस साल अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो हिंदी वर्धन फाइनेंस में शेयर बाजार नियमित। तो दोस्तों, आपने मुझे कीमती समय दिया, कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच।